सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज, दिस इज हिमांशु शर्मा। और एज यू ऑल नो, टुडे इज संग्राम क्लासिक डे 2 एंड आज मैं कम्पीट करने जा रहा हूँ मेंस बॉडी बिल्डिंग एंड क्लासिक फिजिक। सो लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस रहती है, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। सो अभी मास्टर कैटेगरी का कॉम्पिटिशन चल रहा है एंड देन इसके बाद में लंच ब्रेक है एंड देन सीनियर मेंस बॉडी बिल्डिंग। सो काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, बट कल से कार्ब लोड किया है ना, तो आवाज़ से लग रहा होगा एनर्जी आ रही होगी। लास्ट लोग आपने ट्रेनिंग का मेरा देखा होगा या फिर पूरा वीडियो जो आपने देखा है उसमें मेरी जो हालत रही है वो मैं इस वीडियो में ना बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। सो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा ट्रेनिंग पे फोकस कर लेते हैं, थोड़ा पंप कर लेते हैं क्योंकि कार्ब लोड कल किया है अच्छा खासा, और इसके बाद फिर अपना ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, स्टेज पर धमाल मचाएंगे, अपना बेस्ट देंगे। जयराम मित्रा गुरु, एक मिनट एक मिनट, आपका भाई अभी आपका 70 मिनट आ गया। थोड़ा इधर आ जाओ भाई, अभी अभी जगह नहीं है, अभी कोई नहीं जाएगा अंदर। Yeah.
Thank you.
कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग का अभी जस्ट ओवर हुआ है और जैसा कि आप लोगों ने सभी ने देखा कि सेकंड प्लेस मेरी बॉडी बिल्डिंग में आई है ब्लो 70 में. सो आई गेव माय बेस्ट, आई गेव माय 100%. तो फर्स्ट पोजीशन भी आएगी आगे, उसके लिए हमेशा मेहनत रहेगी, जारी रहेगी, करता रहूँगा आगे भी. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फर्स्ट वाला ही क्यों फर्स्ट आया, सेकंड वाला क्यों सेकंड आया, फर्स्ट आना चाहिए था. जो डिजर्विंग होता है वही देखो फर्स्ट आता है. फर्स्ट अगर वो आया है तो कहीं ना कहीं वो डिजर्व ही करता है. सो कहने का मतलब ये है कि अभी भी मेरे पास 15-16 दिन 20 दिन है शेरू क्लासिक के लिए एंड आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड. मेहनत जो है वो चली रही है अपनी. तो बस आप लोग से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसी अपना प्यार, अपना सपोर्ट, प्यार वगैरह बनाए रखना. अच्छा लगता है, पुश मिलता है, मोटिवेशन मिलता है. मैं आज की अपनी इस रिजल्ट से मैं कहूँ तो काफ़ी हद तक खुश भी हूँ, थोड़ा नहीं भी हूँ. नहीं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो ये नहीं है, मुझे काफ़ी आगे जाना है और उसके लिए मुझे काफ़ी हार्डवर्क भी करना है. तो जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचूँगा तब तक मुझे वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी वो मुझे नहीं मिलेगी. चाहे मैं यहाँ पे फर्स्ट आ जाऊँ, ओवरऑल आ जाऊँ, लेकिन खुश इसलिए हूँ कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितनी भी हार्डवर्क जो है वो का कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मुझे निकला है और वो अच्छा आ रहा है. तो ये चीज़ पता है क्या है, कोई भी काम आप लाइफ में करो ना, अगर वो 2-3 साल के अंदर अगर आपको उसमें इंप्रूवमेंट ना दिखे तो आई थिंक या तो आपको वो रास्ता चेंज कर लेना चाहिए या वो फिर प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए. नहीं, क्योंकि आपका जो जुनून अगर अच्छा होगा ना, उसमें डेडिकेशन होगा, तो वो चीज़ आपके लिए ना बहुत ईजी हो जाएगी और छोटा हो जाएगी और 100% रिजल्ट आपको आएंगे. और अब मुझे इंप्रूवमेंट मिली है तो इसलिए मैं खुश हूँ. खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना है. जब तक वो मेडल मुझे नहीं मिलेगा ओलंपिक, तब तक नहीं जाऊँगा, तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होने वाला हूँ. तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार बनाए रखना. आपको कैसा लग रहा है, कुछ बोलना चाहोगे, बोलो कुछ. ये भाई शर्मा आती है कैमरे के आगे ना हर बार का, इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएंगे. चलो बोलो क्या कह रहे. ज्यादा खुशी हो रही है. मैंने तो आज फर्स्ट टाइम ये कंपटीशन देखा है, मैंने कभी कंपटीशन देखा ही नहीं था. कैसा लगा? मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. ऐसा लग रहा है ये नहीं मैं जीत गई. ऑलराइट गाइस, फिर अभी मेरा क्लासिक फिजिक का भी रहता है, क्लासिक फिजिक भी खेलेंगे, उसमें देख लेते हैं. मैं कभी क्लासिक फिजिक खेला नहीं, एक बार खेला हूँ IBBF में. सो अभी देखते हैं उसमें क्या रहता है. कंटिन्यू करते हैं वीडियो तब तक. Yeah.
टू 70 कैटेगरी क्लासिक फिजिक संग्राम क्लासिक 2023 द थर्ड रैंक गोज टू हिमांशु। Awesome. You got the 15.